गाइजर ऐड कर दी गई है हमारी इंडियन बाइटम 3D में न्यू रॉकी बाइक की बाइक को, और आज का इसका न्यू चीट कोड, तो आप सभी इसे कैसे ले सकते हो। और साथ ही में इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं हमारी इंडियन बाइटम 3D में ऐड 20 न्यू बाइक कार्स के चीट कोड, जो कि किसी को भी नहीं पता है। तो आप सभी वो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। और अगर आप इस वीडियो को अभी स्किप करें तो भाई स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर कोई भी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करेगा एक मिनट भी, तो भाई उसको ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी और वो अपने इंडियन बाइटम 3D में रॉकी बाइक की बाइक को बिल्कुल भी ऐड नहीं करने वाला। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे भाई यहां पे इंटरनेट वाले ऑप्शन में जाके आप सभी इस बाइक के फाइल को कैसे ऐड कर सकते हो, और वहां पे भाई अगर तुमने एक भी गलती की ना तो फिर ये तुम्हारे गेम में कभी भी ऐड नहीं होने वाली। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर से देख लेना, तभी तुम अपने इंडियन बाइटम 3D में न्यू रॉकी बाइक की बाइक को ऐड कर पाओगे। तो चलिए गाइस जरा मैं आप सभी को बता देता हूं कि कैसे आप अभी अपने इंडियन बाइटम 3D के न्यू अपडेट में रॉकी बाइक की बाइक को ऐड कर सकते हो, और इसकी फाइल आप सभी को कहां पे मिलने वाली, कैसे आपको इसकी फाइल को ऐड करना होगा। क्योंकि यहां पे एक न्यू मेथड आ गया है जिससे कि आप सभी अपनी फाइल को यहां पे ऐड कर पाओगे। यहां पे इंटरनेट ऑप्शन के नीचे एक और न्यू ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो उसका क्या यूज है, उसे कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। अगर भाई कोई भी इस वीडियो को एंड तक देख लेगा तो उसे कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बोलोगे कि भाई आपने फेक वीडियो बना दी या फिर हमारी भाई बाइक ऐड नहीं हो रही, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। तो चलिए मैं यहां पे आप सभी को बता देता हूं कि यहां पे आप सभी रॉकी बाइक को कैसे ऐड कर सकते हो और कैसे यहां पे 20 न्यू कार्स को ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको एक फाइल की जरूरत पड़ने वाली है, वो फाइल आपको कहां पे मिलेगी, तो गाइस जरा उस फाइल को मैं अभी आपको स्क्रीन पे लेके दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, क्योंकि यार आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि ऐसी वीडियो मैं आप सभी के लिए कंटिन्यू लेके आ सकूं। और भाई मैं नेक्स्ट चैनल एक और न्यू चैनल बनाने वाला हूं, तो चलिए यहां पे मैं सबसे पहले यहां पे आपको बता देता हूं कि कैसे आपको ये ऐड करनी होगी। तो सबसे पहले आपको आ जाना होगा अपने फोन में या फिर अपने कंप्यूटर में। तो यहां पे आपको करना क्या होगा कि यहां पे आपको YouTube खोल के यहां पे रोहित गेमिंग स्टूडियो सर्च करना होगा, और सर्च करने के बाद में यहां पे आप सभी के सामने आ जाएगा न्यू रोहित गेमिंग स्टूडियो यूट्यूब चैनल। तो यहां पे आपको करना क्या होगा, इस यूट्यूब चैनल पे क्लिक करना होगा, और यहां पे आपको करना क्या होगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप सभी के सामने कुछ ऐसा ओपन होकर आ जाएगा, और यहां पे आपको यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जो सबसे लेटेस्ट है ना वहां पे आपको एक लिंक मिलने वाला है, उस लिंक पे क्लिक करना होगा। और उसके बाद में यहां पे आपको पूरी की पूरी लिंक को यहां पे कॉपी कर लेना होगा, देख सकते हो यहां पे HTTP से लेके यहां पे व्यूज तक पूरा का पूरा कॉपी करना होगा। उसके बाद में आप सभी यहां पे आ सकते हो वापस अपने गेम के अंदर, और यहां पे आपको करना क्या होगा कि भाई यहां पे आपसे पूरा का पूरा यहां पे आपको देखना होगा और समझना होगा कि कैसे यहां पे मैं आप इस फाइल को यहां पे ऐड करने वाला हूं। और दोस्तों यहां पे मैं काफी सारे लोगों के साथ में यहां पे कुछ एरर हो जाता है, लेकिन यार अगर जो इस वीडियो को देखेगा उसके साथ में बिल्कुल भी एरर नहीं होने वाला। तो यहां पे आपको करना क्या होगा कि यहां पे आपको इंटरनेट वाले ऑप्शन पे आना होगा, और यहां पे आप सभी देख सकते हो कि काफी लोग यहां पे RGS टूल में इस फाइल को यहां पे ऐड कर देते हैं, तो उसके बाद में वो यहां पे सेव करते हैं और यहां पे फिर वो चाहते हैं कि यहां पे उनके रॉकी बाइक की बाइक मिल जाए। बट यार यहां पे ऐसे नहीं होता, यहां पे आपको करना क्या होगा कि यहां पे आपको इंटरनेट वाले ऑप्शन में आना होगा। यहां पे आपको एक न्यू मोड देखता है, मतलब न्यू ऑप्शन मिलता है जो कि चीट कोड मोड है, मतलब चीट मोड है। तो उसके अंदर यहां पे आपको ये कोड डायल करना होगा, पूरी पूरी लिंक को पेस्ट करना होगा। उसके बाद में अगर यहां पे व्यूज के पीछे कुछ भी हो तो आपको वहां पे इसे रिमूव कर देना होगा, यहां पे आपको ओके पे क्लिक कर देना होगा। यहां पे आप सभी को यहां पे थोड़ा सा टाइम लगने वाला होगा, यहां पे अगर आपके साथ में कुछ मिस्टेक होती है, जैसे कि यहां पे भाई मैंने यहां पे डाल दिया बट यहां पे मेरे साथ में नहीं हो रहा क्योंकि यहां पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, वो आपको नहीं करनी है। वो मैं आप सभी को अभी दिखाने वाला हूं कि यहां पे मैंने क्या कर दिया कि यहां पे अपने यहां पे इंटरनेट ऑप्शन को बंद कर रखा था, मैंने अपना इंटरनेट ऑफ कर रखा था। अगर आपको ये चीज नहीं करनी होगी, अगर आपका इंटरनेट ऑफ है तो आपको ये फाइल बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं होने वाली। तो यहां पे आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले जाके अपने भाई नेट खोलना होगा सबसे पहले, और यहां पे मैं दोबारा से अब नेट को ओपन करके दिखा देता हूं, उसके बाद में हम इसको ट्राई करने वाला। और यहां पे आपको देख के रखना होगा कि यहां पे भाई मेरी यहां पे फाइल लोड हो चुकी है, और यहां पे भाई मैंने जैसे इंटरनेट को ऑन किया तो ये लोड होगी। उसके बाद में यहां पे आपको डायल पैड में आना होगा, भाई कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल इजी प्रोसेस है। उसके बाद में यहां पे आपको सिर्फ यहां पे अगर आपको नाइट करनी हो तो नाइट का भाई चीट कोड चेंज हो गया, जो कि 9 से बदल के 99 हो गया। और यहां पे तुम देख सकते हो भाई यहां पे हमारे वेदर में भी काफी ज्यादा चेंज किए गए, और भाई काफी सुंदर लगता है यार देखने में। और गाइस यार चलो मैं आप सभी को यहां पे बता देता हूं कि कैसे भाई तुम अपनी रॉकी बाइक की बाइक को ले सकते हो, और यहां पे साथ ही में 20 न्यू कार्स को कैसे ले सकते हो, उनकी फाइल आप सभी को कहां पे मिलने वाली। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भाई प्लीज यार वीडियो को एंड तक देखा करो, तभी यार मेरी वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचेगी। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ के या फिर एक मिनट देख के छोड़ दोगे तो मेरी वीडियो और लोगों तक नहीं पहुंचेगी यार, भाई प्लीज उससे मेरी रीच डाउन हो जाएगी और भाई मेरे को कोई भी व्यूज नहीं मिलेंगे, ना मेरी वीडियो कभी वायरल होगी। सो प्लीज यार सपोर्ट दिखाओ अपने भाई को। तो चलिए यहां पे सबसे पहले यहां पे मैं नाइट को थोड़ा सा बंद कर देता हूं, उसके बाद में यहां पे मैं कुछ करने वाला हूं, यहां पे तुम देख सकते हो इंटरनेट ऑप्शन को। तो चलो भाई यहां पे मैंने क्या करता हूं, सबसे पहले अपने
नाइट मोड को ऑन ऑफ करते हैं, लेकिन यार उससे पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि सब लोग नाइट मोड को ऑफ करते हैं और उसके बाद में यहाँ पे मैं आप सभी को पूरा का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे नाइट मोड को ऑफ करने के लिए आपको आपको 99 को डायल करना होगा। यहाँ पे भाई ये हो चुका है और चलो अब मैं ना आप सभी को बता देता हूँ कि भाई की बाइक का क्या चीट कोड है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको यहाँ पे अपनी फाइल को ऐड कर देना होगा, उसके बाद में ऐड करने के बाद में आपको यहाँ पे व्यूज के पीछे जो कुछ भी है उसको भाई रिमूव कर देना होगा। मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे व्यूज के पीछे कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप सभी को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे इसको टिक करना होगा, उसके बाद में आपको करना कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद में आप सभी को आ जाना होगा अपनी डायल पैड में। तो चलो यहाँ पे मैं जल्दी से अपनी फाइल लोड हो चुकी है, उसमें 1-2 सेकंड लगते हैं तो भाई उसका थोड़ा सा तुम वेट कर सकते हो। यहाँ पे आपका इंटरनेट ऑप्शन जरूर से ऑन होना चाहिए, अपने नेट को ऑन रखना। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी डायल पैड में आना होगा। डायल पैड में आने के बाद में यहाँ पे आपको 1 डायल करना होगा। जैसे यहाँ पे आप सभी 1 डायल करोगे तो आ जाएगी हमारी न्यू रॉकी भाई की बाइक, जो कि आप सभी देख सकते हो। गाइस यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि हमारी न्यू रॉकी भाई की बाइक का यहाँ पे स्पॉन चिट कोड यहाँ पे मोड 1 है, जो कि भाई हमारी पहली मोड है। और उसके बाद में यहाँ पे और भी काफी सारे यहाँ पे इस मोड में ऐड किए जाएंगे, यानी कि इंटरनेट ऑप्शन का यूज करके यहाँ पे आप सभी को आने वाले टाइम में काफी सारे न्यू अपडेट देखने को मिलने वाले हैं और यहाँ पे न्यू करेक्टर चेंज का अपडेट आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो चलिए गाइस यार बात करते हैं कि अपने इंडियन बाइटम 3D का न्यू अपडेट में आप सभी 20 कार्स को कैसे ले सकते हो, उसका क्या चिट कोड होने वाला है, उसका भाई आपको लिंक कहाँ पे मिलेगा और उसे आप सभी अपने गेम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि गाइस यार हमारे इंडियन बाइटम 3D के न्यू अपडेट में आपको एक और न्यू अपडेट देखने को मिलने वाला, जो कि हेलीपैड का अपडेट होने वाला, जिसकी फाइल भी आपको सभी को काफी जल्दी देखने को मिलने वाली है। उसको आप सभी अपने इंटरनेट ऑप्शन में ऐसे ही ऐड करने के बाद में आप सभी को यहाँ पे 1 या फिर 2 जो भी उसका चिट कोड है उसको डायल करना होगा और उसके बाद में आप सभी अपने गेम में हेलीपैड को भी भाई इजीली ऐड कर पाओगी। तो जैसे यार उसका अपडेट आएगा तो मैं सबसे पहले वीडियो बना के आप सभी को बता दूंगा कि कैसे आप सभी को उसको ऐड करना होगा और उसका भाई क्या चिट कोड होने वाला है, सारी की सारी वीडियो मैं आप सभी को बता दूंगा। तो आपको करना क्या होगा कि आप सभी को इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ज्यादा से ज्यादा हेलीपैड कमेंट में जाके करना होगा, ताकि यहाँ पे हमारे डेवलपर को पता चले कि भाई हमारी ऑडियंस को कौन सी चीज न्यू अपडेट में चाहिए। तो जाके यार कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आप सभी हेलीपैड चिट कोड मतलब कि कमेंट कर देना, ताकि रोहित गेमिंग स्टूडियो सर को पता चल सके। तो चलिए गाइस यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ कि कैसे आप सभी हमने इंडियन बाइटम 3D में न्यू 20 कार्स को ऐड कर सकते हैं, उनकी फाइल आप सभी को कहाँ पे मिलने वाले। तो गाइस यार मैं आप सभी को बता दूं कि अभी इंडियन बाइटम 3D में कोई भी 20 न्यू कार्स का कोई भी यहाँ पे लिंक नहीं आया, बट यार आने वाला है काफी जल्दी। हमारी इंडियन बाइटम 3D में आप सभी को न्यू कार्स देखने को मिलने वाले, जो कि काफी धमाकेदार होने और सारी की सारी सुपर कार होने वाली है। तो उनका न्यू अपडेट आपको जल्दी देखने को मिलने वाला, वो आपको रोहित गेमिंग स्टूडियो सर के चैनल पे आप सभी को उसका लिंक मिल जाने वाला है। और उसका जैसे भी अपडेट आएगा मैं सबसे पहले वीडियो बना के आप सभी को बता दूंगा। तो आपको करना क्या होगा कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आप जैसे मैं वो वीडियो सबसे पहले अपलोड करूं तो आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो यार प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और मैं एक न्यू चैनल बनाने वाला हूं जिसमें कि मैं पबजी की लाइव स्ट्रीम करने वाला हूं, तो प्लीज यार उसका लिंक भी आपको जल्दी मिल जाएगा, तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं हमारी